अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय अ स्केलर। अब यहां पे स्केलर क्या है? स्केलर बेसिकली एक नंबर है, यह हमने पहले भी समझा था। स्केलर और वेक्टर दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। स्केलर एक नंबर होता है, बेसिकली स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। तो स्केलर को हम बोल सकते हैं अ नंबर या फिर और अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है ना, स्केलर क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। अब मान लीजिए एक वेक्टर है ए और एक स्केलर क्वांटिटी है एम। अब मुझे इस एम को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बेसिकली क्या होगा, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो एम टाइम्स हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए आपको बोला है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन्स। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स को हमें डायरेक्शन देना होता है। क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए ये बॉक्स है, मैं इसमें यहां से फोर्स लगा रहा हूं तो ये इस तरफ मूव करेगा, मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं तो ये इस तरफ मूव करेगा। तो फोर्स के साथ डायरेक्शन बताना जरूरी है, क्योंकि अगर सेम फोर्स 5 न्यूटन का फोर्स मैं यहां से लगाऊं या यहां से लगाऊं एक बात नहीं है, यहां से फोर्स लगाता हूं यहां जाता है, यहां से फोर्स लगाता हूं यहां जाता है, यहां से फोर्स लगाऊंगा तो फिर वो नीचे की तरफ मूव करेगा, एंड सो ऑन। तो अब मान लीजिए इस 5 न्यूटन के फोर्स को मैं एक नंबर 6 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो फिर क्या होगा कि मान लीजिए जो 5 न्यूटन का फोर्स है ये इस डायरेक्शन में है, मैंने अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 6 5 30 न्यूटन और इसका डायरेक्शन यही रहेगा। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि एक वेक्टर को अगर आप एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड बस मल्टीप्लाई होता है और डायरेक्शन एज इट इज रहता है। जो भी वेक्टर का डायरेक्शन है फाइनल डायरेक्शन भी वही होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड में फर्क आ जाएगा। ठीक है, स्केलर में फिर हम कुछ और, स्केलर मल्टीप्लीकेशन में हम कुछ रूल्स और देखेंगे। जैसे यहां पे हमने बोला कि मान लीजिए एक स्केलर क्वांटिटी है m और एक वेक्टर है a, और मैंने -m into a किया, ये m into -a हो सकता है या फिर ये -m into vector a हो सकता है। अगर हमने दो क्वांटिटीज ली हैं, लेट्स से m, n और a, यहाँ पे m और n दो अलग अलग स्केलर्स हैं, अगर मैं इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, इसको मैं किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर हम दूसरी चीज देखेंगे। अगर आपको बोला है -m into -a तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा m into a। फिर अगर मुझे दो स्केलर नंबर्स दिए हुए हैं m+n into vector a तो इसको हम लिख सकते हैं m times a + n times a। ये हमारे पास वेक्टर और स्केलर के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हो गई। अगर माइनस करता तो यहाँ माइनस आ जाता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यहाँ पे बोला अगर वेक्टर c=3a+4b है एंड 2c=a-3b है तो आपको प्रूफ करना है पहली चीज कि c और a हैव सेम डायरेक्शन,
और जो वेक्टर सी है वो वेक्टर ए से, जो मॉड्यूलस है वो इससे बड़ा है, ये मॉड्यूलस क्या हम थोड़ी देर में समझेंगे। और दूसरी चीज, जो वेक्टर सी और बी है इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है और मॉड्यूलस सी मॉड्यूलस बी से बड़ा है। इसको हम ऐसे समझेंगे, सबसे पहले हमें इसके सॉल्यूशन में हमें वेक्टर सी दिया हुआ है 3a प्लस 4b और आपको 2c दिया हुआ है a माइनस 3b। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे c की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा 2 इंटू, इस c की जगह मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगा, ये हो जाएगा 3 वेक्टर a प्लस 4 वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 a प्लस 2 4 जा 8 b इज इक्वल टू a माइनस 3 b। ये a इस तरफ आ जाएगा, b उस तरफ चले जाएगा, तो हमारे पास हो गया बेसिकली 6a माइनस a इज इक्वल टू 6a, a इस तरफ आ गया इज इक्वल टू हमारे पास माइनस 3b पहले से था और ये 8b यहाँ पे मर्ज हो गया, तो 6 में से 1 गया, कितना बचा 5 वेक्टर a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 11 वेक्टर b। या फिर हम लिख लेते हैं वेक्टर ए इज नथिंग बट माइनस 11 अपॉन 5 वेक्टर बी, एंड अगर मुझे बी की वैल्यू चाहिए तो मैं लिख लूंगा 5 ए अपॉन माइनस 5 अपॉन 11 ए। अब ये दो चीजों को मुझे याद रखना है, अब मैं आगे देखूंगा। अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि सी और ए जो है इनका सेम डायरेक्शन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी एक इक्वेशन ले लेता हूँ, चाहे इसको ले लेता हूँ, सी इज इक्वल टू 3a दिया हुआ है प्लस 4b दिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, सी और ए को मुझे सेम डायरेक्शन में बताना है, तो मैं इस बी को एलिमिनेट कर देता हूँ, मैं बी की वैल्यू उठा के इधर डाल दूंगा, तो मुझे सी मिल जाएगा 3 वेक्टर ए प्लस 4 टाइम्स वेक्टर बी की जगह हम क्या डाल देंगे माइनस 5 ए अपॉन 11। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आपको मिल जाएगा 3 ए प्लस सॉरी माइनस, बिकॉज प्लस एंड माइनस इज माइनस, 4 5 आर 20 अपॉन 11। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 11 3 इज 33 a माइनस 20 a अपॉन 11 एंड दैट इज 13 a अपॉन 11। ये हमें किसकी वैल्यू मिली, c की। अच्छा, अब हमने एक चीज समझी थी, अगर वेक्टर a इज इक्वल टू सम स्केलर क्वांटिटी लैम्डा इनटू वेक्टर b, कभी भी हमें अगर ये कंडीशन मिलती है तो हम बोलेंगे a A and B are in same direction or parallel, है ना? अगर ये condition मिलती है तो मैं A और B को क्या बोलूंगा, they are in same direction और they are basically parallel, जिसको हमने like vector भी पढ़ा था। तो यहाँ पे A और B क्या हो गए, सॉरी A और C क्या हो गए यहाँ पे सेम डायरेक्शन में उस कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे ये 13 अपॉन 11 लगा हुआ है, तो ये नंबर सिर्फ उसका जो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझा था इसमें ये मैग्नीट्यूड बस मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी चीज, हमें बोला था मॉड्यूलस ऑफ सी इज ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ ए, मॉड्यूलस का मतलब यहाँ पे होता है मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, सी और ए के बीच में इक्वालिटी का साइन तो है, लेकिन यहाँ पे एक नंबर 13 बाय 11 आ गया।
अब हमें मालूम है 13/11, न्यूमरेटर बड़ा नंबर है, डिनोमिनेटर छोटा नंबर है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। अब इसमें मैं कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बढ़ेगा, है ना। जैसे एक बात हम समझते हैं, मान लीजिए एक नंबर है 5, इसमें अगर मैं 1 से कोई भी बड़ा नंबर जैसे 1.2 मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो गया 6। ये इससे ज्यादा आ रहा है, 5 से ज्यादा आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसी को 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करता, मान लीजिए 8, तो ये कितना मिल जाता, मतलब ये इससे छोटा हो गया। अब मैं 13/11, मतलब ये 1 से, क्योंकि फ्रैक्शन जब हम डिवाइड करेंगे 1 से ज्यादा होगा, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो ऑब्वियसली बात है ए से बड़ा होगा। जैसे मैंने 5 को 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 5 से बड़ा नंबर मिला, तो ए को जब मैं इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा वो ए से बड़ा मिलेगा, और वो वैल्यू है सी। दैट मीन्स सी जो है ए से ज्यादा है, देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ सी इज ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ ए। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड पार्ट जहां पे हमको सी और बी को प्रूव करना है, हम वो वाला पोर्शन देखेंगे। सी और बी को प्रूव करने के लिए हम देखते हैं, सी और ए सेम डायरेक्शन एंड सी एंड बी ऑपोजिट डायरेक्शन। हम क्या करेंगे, वेक्टर सी इज इक्वल टू, दोबारा लिख लेंगे 3a + 4b। अब मुझे बी लाना है तो मैं ए की वैल्यू डाल दूंगा, ए की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, इस चीज को मैं यहां डाल देता हूं, ये हो जाएगा 3 times, इंस्टेड ऑफ ए आई विल राइट -11/5b, ये मिल गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 11s are 33/5 वेक्टर बी प्लस 4b, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा -33b + 20b/5 एंड दैट इज -13b/5। तो बेसिकली मुझे यहां पे क्या मिल रहा है, जो वेक्टर सी है वो -13/5 वेक्टर बी है। यहां पे माइनस साइन शो कर रहा है कि ये दोनों क्या है, अनलाइक वेक्टर्स। हमने लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स पढ़ा था कि अगर ए बी इज इक्वल टू -bA है, दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम माइनस साइन लगाते हैं। ए बी का डायरेक्शन ए से बी की तरफ, बी ए का डायरेक्शन बी से ए की तरफ, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पे माइनस साइन लग गया, मतलब सी और बी के ऑपोजिट डायरेक्शन है। दूसरी चीज, अब यहां पे भी आपको बोला है मॉड्यूलस सी इज ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ बी। अच्छा, अब यहां पे देखिए ये जो माइनस साइन है ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। मैं इस माइनस साइन को अगर हटा देता हूं तो सेम लॉजिक, 13/5 1 से बड़ा फ्रैक्शन है, इसको बी से मल्टीप्लाई करूंगा, बी से बड़ा हो जाएगा, देयरफॉर सी जो है बी से बड़ा होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमें देखना है पोजिशन वैक्टर। अब देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसको हम ऐसे समझेंगे, कार्टेशियन सिस्टम हमने जैसे देखा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इस कार्टेशियन सिस्टम का बेसिकली काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि मुझे कोई एक पॉइंट है उसकी लोकेशन बतानी है, तो मैं कार्टेशियन सिस्टम को यूज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि ये एक ओरिजिन है जिसको मैंने फिक्स कर दिया। अब इस पॉइंट का मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर एक्स के ऊपर और एक परपेंडिकुलर वाई के ऊपर, मैं ओरिजिन से इतना डिस्टेंस मेजर करूंगा, सपोज दिस इज एक्स, यहां से इतना डिस्टेंस मेजर करूंगा, सपोज दिस इज वाई। अब ये रेक्टेंगुलर है, दैट मीन दिस हाइट मस्ट बी वाई, दिस डिस्टेंस मस्ट बी एक्स, तो इसकी पोजिशन x, y हो जाएगी। जितने बार भी मुझे x, y बोला जाए, हर बार यही पॉइंट प्लॉट होगा। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं इस ग्राफ में आप 3, 4 प्लॉट करो, तो 3 in this and 4 in this, हमेशा यही होगा, चेंज हो सकता है ये कभी चेंज नहीं हो सकता। अब इसी तरीके से, अब ये तो कार्टेशियन सिस्टम हो गया, पोजीशन वेक्टर क्या होता है इसको हम समझते हैं। सपोज इसी पॉइंट को मुझे वेक्टर्स के फॉर्म में बताना है,
मैंने ये एक लाइन फिक्स की हुई है, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से मैंने इस डायरेक्शन में एक लाइन खींचा। ऑब्वियस ही बात है कि ये जो डायरेक्शन, ये जो एंगल है, ये यूनिक है। तो मैंने इस डायरेक्शन में जो लाइन खींचा और मैंने इस लेंथ को आर डिफाइन कर दिया, तो ये जो पॉइंट ए है, इसकी पोजिशन वैक्टर को मैं, अगर ये ओरिजिन को मैं ओ लेता हूँ, इस पॉइंट को ओ लेता हूँ, तो ए लेता हूँ सॉरी, तो इसकी पोजिशन वैक्टर को हम ओ ए बोलेंगे। ये यूनिक होगा, इफ द एंगल इज फिक्स्ड, इफ द डिस्टेंस इज फिक्स्ड। हमेशा यहां से अगर मैं बोलता हूँ 30 डिग्री 5 मीटर, तो 30 डिग्री के एंगल पे 5 मीटर डिस्टेंस पे यही पॉइंट मुझे मिलेगा। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, इस पोजीशन का मैं ओरिजिन से जो वेक्टर बना रहा हूं उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। अब यहां पे एक चीज हमें समझनी है, जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, तो इस ए की पोजीशन हो गई ओ ए, इस बी की पोजीशन हो गई ओ बी। मैंने एरो बना दिया, मतलब मैं ओ से ए की तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, ओ से बी की तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं। अब मुझे ए बी बताना है, ए से बी की तरफ। अच्छा, ट्रायंगल ऑफ एडिशन हम लगाते हैं, ये ओ ए इस डायरेक्शन में है, ओ बी इस डायरेक्शन में है, ए बी इस डायरेक्शन में है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है, मैं यहां से यहां, इफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर टेकन इन ऑर्डर, द थर्ड साइड रिप्रेजेंट्स देयर सम या रिजल्टेंट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, है ना। लेकिन मुझे चाहिए क्या, ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। ओ बी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और ओ ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए बी को क्या लिखा जा सकता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए बी विल ऑलवेज बी पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकेंड पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। अगर मुझे पी क्यू निकालना है तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। मुझे अगर डी एफ निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकेंड पॉइंट दैट इज एफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट पॉइंट दैट इज डी। ये हो गया हमारा रूल, ये बात क्लियर है। अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ये आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन है, हम इसको कर लेते हैं, इससे हमें वो पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आपको बोला है द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी डी आर वेक्टर ए वेक्टर बी 2a प्लस 3b एंड a माइनस 2b रिस्पेक्टिवली, फाइंड db एंड ac। हम क्या करेंगे, db इज इक्वल टू, उसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चलते हैं जो अभी हमने समझा था। db मुझे निकालना है तो सेकेंड पॉइंट b है, तो मैं यहां पे लिखूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस, पहले वाला बाद में आएगा, बाद वाला पहले आएगा, पहले वाला बाद में आएगा, तो हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। देखो ये जो पहले वाला है बाद में जाता है और बाद वाला जो है पहले जाता है, ये लाइन कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, क्रिस क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो हम डी बी को क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी की पोजीशन वेक्टर कितनी है, बी है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, डी की पोजीशन वेक्टर कितनी है, ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी है ए माइनस टू बी, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये आपको मिल जाएगा बी माइनस ए माइनस एन माइनस मेक्स प्लस,
बी में टू बी हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री बी माइनस ए एंड दैट इज माई आंसर डी बी. ठीक है, अब आगे हम देखते हैं हमें क्या निकालना है. ए सी यहां पे कर लेता हूं, ए सी इसको मैं क्या लिखूंगा, पोजिशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, बाहर वाला बाहर अंदर वाला अंदर, पोजिशन वैक्टर ऑफ सी टू ए प्लस थ्री बी. पोजिशन वैक्टर ऑफ ए विच इज अगेन ए, टू ए में से ए गया, ए बचा, ये थ्री बी एज इट इज. दिस इज माई आंसर. ठीक है,